गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, सेकंड चैप्टर द ड्रंकन स्टूपर। स्टूडेंट्स, हमने ये लेसन रीड किया था, आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 31। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग चैप्टर, पेज नंबर 31। वी रीच्ड मुरादाबाद अर्ली इन द मॉर्निंग। There were a few people at the station to receive us. There were two gentlemen and five coolies. The coolies took charge of our luggage and the two gentlemen walked behind. One of them was Riyasat Ali and the other was Ramhar. Both of them looked at me with inquiring eyes as though asking what is a crow like you doing in the company of a swan. सुबह होते होते हम मुरादाबाद पहुँच गए। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। दो पुरुष थे और पांच पुलिस बेगारों ने हमारा लगेज को उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था जिसका नाम रियासत अली था और दूसरा ब्राह्मण था जो कि रामहरक था। दोनों ने मेरी और मेरी बड़ी अजीब नज़रों से देखा, मानो कह रहे हों कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। इज दिस जेंटल मैन योर क्लासमेट, रियासत अली आस्ट ईश्वरी। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? Yes, we are classmates and stay together as well. It is because of him that I have been able to bear my stay in Allahabad, as I would have returned to Lucknow long ago. This time I forced him to come along with me. There were quite a few telegrams from his parents imploring him to return home for the vacations. But each time I made him send a reply stating he could not home. The last telegram was an urgent one which required the sender to pay 25 paise for each word. अब जो ईश्वरी ने जवाब दिया, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं, ये कहिए कि आपकी बदौलत इलाहाबाद में जो पढ़ा हुआ नहीं है तो कब का लखनऊ चलाता। इलाहाबाद नहीं पड़ता तो कब का लखनऊ चलाता। अब के महीने ये मुझे ले आया। इनके घर से कई तार आए हुए थे पर मैंने काफ़ी इनकार के जवाब भी दिए, लेकिन आखिरी तार जो था, जो लास्ट में जो टेलीग्राम आया, वो काफ़ी अर्जेंट था। टेलीग्राम मैंने तार बोल देते हैं। जो आखिरी जो टेलीग्राम था वो काफ़ी अर्जेंट था, जिसकी फ़ीस जो थी, जो चार आने प्रति शब्द थी 25 पैसे ईच वर्ड्स, पर उसका जवाब इनकारी था। बोथ द जेंटलमैन लुक्ड एट मी इन एस्टोनिशमेंट, बट यू गो अबाउट वेयरिंग वेरी सिंपल क्लॉथ रियासत ऑल अली फाइनली कमेंटेड इन अ डाउटिंग वॉइस। ईश्वरी ने उस बात का जवाब दिया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित, मतलब बड़ी हैरानगी से देखा। रियासत अली ने डाउट मन से, लेकिन बड़े सादे कपड़ों में था। ईश्वरी क्लियर हिज डाउट। हिज महात्मा गांधी फॉलोवर, ही वेयर्स ओनली खादी एंड हैज़ बर्न डाउन ऑल हिज फैशनेबल क्लॉथ। द एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम देयर एस्टेट 2.5 लाख रुपीज, बट एनी वन लुकिंग एट हिज फेस विल एश्योर ही हैज़ कम फ्रॉम एन ऑर्फेनेज। ईश्वरी ने उस बात का जवाब दिया, उस बात को क्लियर किया कि महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ भी पहनते नहीं। पुराने सारे कपड़े इन्होंने जो हैं जला दिए, तो कहो कि राजा है। 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकी रियासत है। काफ़ी अमीर आदमी है, पर सूरत देखो तो लगता है कि अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए हों। इट इज़ वेरी रेयर टू कम अक्रॉस सच ट्रेड्स इन द रिच, रामहरक सैड। रामहरक बोले, अमीरों को ऐसा स्वभाव कम देखने में आता है, कोई जान नहीं सकता।
रियासत अली एग्रीड, हैड यू सीन किंग चंगली यू वुड हैव चोर्ड योर नेल्स इन डिसबिलीफ। He used to roam around the market wearing coarse cloth and shoes. I have heard he was once mistaken for a coolie. रियासत अली सहमत हुआ, बोला महाराज जो चंगली है को जो देखा होगा वो दांतों तले उंगली दबाते एक अजीब से कपड़े पहने होते हैं और चमरोंदे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार कूली जो पकड़े गए थे, कुली के उसमें मिस्टेक भी, ये सोचकर भी ये कुली हैं उस लिए उन्हें पकड़ लिया गया था। आई वॉज फीलिंग अनइजी बट फॉर सम रीज़न आई कुड फाइंड नथिंग अम्यूजिंग इन दिस वाइट लाई एट दैट टाइम। इट वॉज एज थो ईच सेंटेंस ड्रू मी नियरर टू मेक बिलीव वर्ड और रिचेस। मैं मन से कटा जा रहा था, पर ना जाने क्या बात थी कि सफ़ेद झूठ पर हंसी आ रही थी और उसके प्रत्येक जिस तरह जो बात है के साथ मानो मैं अपने आप को ढूंढ रहा था कि मैं जो कि मैं एक गरीब था। आई एम नो हॉर्स राइडर, यस एज अ किड आई हैव रिडन पैक हॉर्सेस ऑन सेवरल ओकेजन। हियर आई एम फाउंड टू हॉर्सेस ऑलरेडी टू कैरी अस। आई नियरली फेंटेड एट द साइट ऑफ द एनिमल्स। आई डिड मैनेज टू माउंट द हॉर्स बट वॉज ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। Trying to put up a brave front, I allowed my horse to sleep behind Ishwari horse. Realizing my predicament, Ishwari rode at an easy pace, as I would have returned home with broken bones. Ishwari house was like a castle. The entrance was through an imposing gate that had a sentry walking to and fro. There were innumerable servants. There was an elephant tethered and on the ground. Ishwari introduced me to his parents and relatives in the same exaggerated manner in which he had introduced me to Riyasat Ali and Ram Harak. वो कहता है मैं एक घुड़सवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार घोड़ों पर सवार हुआ, या देखो तो दो घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी इसने बोला कि दो घोड़े जो तैयार खड़े थे और उसकी अचानक से क्या उनको देखकर जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर सारा कांप रहा था, सारा शरीर उसका कांप रहा था। उस पर चढ़ तो गया घोड़े पर, लेकिन वो सारा कांप रहा था। मैंने उसके चेहरे पर शिकन ना पड़ने दी, ये नहीं दिखाया कि मैं डर रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, मतलब अपने आप को बहादुरी की तरह दिखाया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे लही लगा लिया। खैरियत ये हुई ईश्वरी ने घोड़े को तेज नहीं किया, वरना शायद मैं हाथ पैर ही तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि कितने पानी में है। ईश्वरी ने ये समझ लिया हो ये कितने पानी में है। ईश्वरी हाउस वाज लाइक अ कैस्टल, ईश्वरी का घर एक किला था। पूरा बड़ा गेट, द्वार पर जो पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं था। बड़े सारे नौकर थे, इतने सारे नौकर थे। एक हाथी बंधा हुआ था। ईश्वरी ने अपने माता पिता चाचा ताऊ और सभी से मिलवाया और उनकी अतिशोक्ति के साथ रियासत और राम हरक से भी, जो रियासत था और राम हरक था, उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे भी मिलवाया गया। इसने ईश्वरी ने, ठीक है बेटा, ये आज हम इतना ही रीड करेंगे। पेज नंबर 31 और 32 रीड किया हमने। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।